हेलो गाइस, वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, हमने रेलवे ग्रुप डी के ऊपर कई लेक्चर्स डाले थे आपके, जो आपके जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम था रेलवे का उसमें पूछे भी जा रहे हैं। मतलब हमने 17 से पहले जितने भी वीडियो डाले थे मैथ्स और रीजनिंग के, खासकर हमने ऑलरेडी 25 प्लस वीडियो डाले हुए हैं जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है और हमें भी बहुत खुशी है, जिन छात्रों ने देखा है उन्हें इनका लाभ मिला ही होगा, और जिनका पेपर आने वाला है नहीं हुआ है वो कृपया जाए, नीचे हमने लिंक दी हुई है, लिंक पे जाएं और सारे वीडियो एक बार वॉच कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ना, आप लोगों का ही भला होगा। और एक चीज और बोलूंगा मैं कि जो हमने आपसे बोला था कि कंटिन्यूअस वीडियो डालेंगे, बट कुछ रीजंस के कारण बीच में 5-6 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन अभी से कंटिन्यू हो गया है। तो आज जो मैं नाम शेयर कर रहा हूँ, ये आपके अपकमिंग आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ का भी जो एग्जाम आ रहा है, या कोई भी स्टेट का एग्जाम से लेके एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके ब्रांड एम्बेसडर से। मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके लिए। ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम पढ़ेंगे हम, किस अभियान में कौन ब्रांड एम्बेसडर है, किस स्कीम का या कोई मिशन है तो उसमें कौन ब्रांड एम्बेसडर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको हमने यहाँ पर चार ऑप्शन देके रखे हुए हैं, उनमें से एक आंसर होगा, तो कोई गैस कर सकता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं पढूं तो स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर जो आपका है वो है बिंदेश्वरी पाठक। क्या आंसर है? बिंदेश्वरी पाठक। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मतलब आप देखते हो ना, स्टेट वाइज भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, हर एक चीज के भी क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट तक के भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम राज्य जो आपका है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका आंसर है AR रहमान। चार ऑप्शन आपको मैंने दिए हुए थे। चौथा क्वेश्चन अगर मैं पढूं, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो भाई इसका आंसर है आपका दिया मिर्जा। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, सभी के सभी एक्टर्स है। अगला अगर मैं पढूं, स्केल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये कोई गैस कर सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने, भाई इसका जो आंसर है प्रियंका चोपड़ा। स्किल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आप कंफ्यूज हो सकते थे, आप सोचते प्रियंका चोपड़ा भैया यूएसए में है या बाहर हैं, तो कैसे हो सकते हैं, लेकिन वही हैं आपकी ब्रांड एम्बेसडर स्किल इंडिया के। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? प्रियंका चोपड़ा ही ब्रांड एम्बेसडर है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। अगला अगर मैं रीड आउट करूं, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, अभी मैं इस वीडियो में तो डिस्कशन नहीं कर सकता हर एक चीज के बारे में, अभी हम सिर्फ पढ़ लेते ब्रांड एम्बेसडर। आपको लगता है कोई अभियान अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो भैया इसके जो हैं कौन है, यहां पर हैं आपके अमिताभ बच्चन जी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन से रिलेटेड आप दो आंसर सभी पढ़ चुके हो कंटिन्यू। निर्मल भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो निर्मल भारत के ब्रांड एम्बेसडर अगर कौन है ये पूछा जाए आपसे, तो आपके चार ऑप्शन है, चारों के चारों बॉलीवुड से रिलेटेड है, इसका आंसर है विद्या बालन। अब अगला अगर मैं पढ़ूं तो पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भाई पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अभी है पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन अगर मैं पढूं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का, ये जो इस आपका चल रहा है इससे विकास से डेवलपमेंट से रिलेटेड, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने है, इसका आंसर है एमसी मैरीकॉम। अगला पढ़ता हूं मैं, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पंजाब नाम जुड़ा हुआ है इसमें, तो इससे ये मत सोचिएगा कि मैं लगा दूं हरभजन सिंह, मैं लगा दूं युवराज सिंह, जी नहीं, हमारी इंडिया टीम के कप्तान भारत के गौरव विराट कोहली इसका आंसर है।
अगला अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो अमेरिकन टूरिस्टर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? ये प्रोडक्ट है अमेरिकन टूरिस्टर, आपने ऐड जरूर देखा होगा। कौन करता है भाई? आपने देखा होगा एक ऐड आता है, रोनाल्डो भी है उसमें, फुटबॉल जो देखते होंगे वो रोनाल्डो को जानते हैं, और उसी में आपको विराट कोहली भी दिखेंगे। तो इसका आंसर है विराट कोहली भाई। ये पूछा गया था अमेरिकन टूरिस्टर का भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, समझ गए आप? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? क्लीनली आप सब लोगों ने देखा होगा, तो इसमें अगर आप कभी गलती कर दो, कई बार क्या होता है हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई, अक्षय कुमार, हमने टॉयलेट मूवी देखी है तो हम रिलेट कर सकते हैं, अक्षय कुमार ऑप्शन में आपको नाम देके रखा, कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन इसमें जो सही आंसर है आपका वो है काजोल। कौन है? काजोल अभिनेत्री। माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसमें भी आप सब समझ सकते हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर है माधुरी दीक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जा चुका है काफी टाइम से, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर है माधुरी दीक्षित। स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्वच्छ साथी अभियान, इसका आंसर है दिया मिर्जा। इसका आंसर क्या है? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा से रिलेटेड दो आंसर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और कंफ्यूज मत होइएगा, स्वच्छ साथी कार्यक्रम ये अलग है और स्वच्छ भारत अभियान अलग है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एड देखते हो घर पे? सभी से पूछ रहा हूँ, ऑप्शन दिया है, सभी खान है हमारे जितने एक्टर्स हैं उन सभी का नाम इसमें दे दिया गया। आमिर खान का एड जरूर देखा होगा आपने, वीवो को लेके, वीवो 9 अभी V7 प्रो आया, उन सब में आमिर खान का एड जरूर आ रहा है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए फिर, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब आमिर खान। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, अभी तक 3 नाम आ चुके हैं लगातार, अभी चौथा भी मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। तो अमिताभ बच्चन बहुत सी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर, डीडी किसान एक चैनल है जिसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो भाई चुना गया है अमिताभ बच्चन को। सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अब आई बात टेनिस प्रतियोगिता की, तो हमें लेकिन नाम तो आप देखोगे ऑप्शन में, चारों के चारों किससे रिलेटेड है? चारों के चारों क्रिकेटर से रिलेटेड है। टेनिस की बात आई, टेनिस बॉल कौन पकड़ेगा बार बार? भाई विकेट कीपर पकड़ेगा, ऐसे इसको याद कर लो। तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है परिणीति चोपड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में ही आया है, परिणीति चोपड़ा को सिलेक्ट किया गया इसके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर ये हो गया एक आपका, ठीक है। माँ जो आपका अभी मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो उसका आंसर भी आपका क्या हो गया था? माधुरी दीक्षित हो गया था। तो यहां पर आप ध्यान रखो दोनों के आंसर क्या हो गए, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित में भी हम दो आंसर पढ़ चुके हैं। अगला, उबर इंडिया ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो भाई सबसे फेमस कौन है उबर को, और कौन फेमस कर सकता है अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है? विराट कोहली, जो सबसे ज्यादा एड आजकल जिनको मिल रहे हैं, तो इसका आंसर है विराट कोहली। रेडमी 2 इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रेडमी 2 के अगर ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो फिर से विराट कोहली। अभी तक हम कंटिन्यू आंसर जो पढ़ चुके हैं विराट कोहली पे भी बहुत सारे हमने आंसर्स देख चुके हैं। इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंडिगो पेंट, बात की जा रही है यहाँ पर पेंटिंग की, पेंट कौन करेगा यहाँ पर? महेंद्र सिंह धोनी इसका आंसर है। फिलिप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिर से आप देख लो, लगभग 5 क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ जिनमें सिर्फ आंसर आप करा है विराट कोहली। तो विराट कोहली बहुत फेमस है, तो आप ये याद रखो कि वो किन किन चीजों के ब्रांड एम्बेसडर है, उन पे बेस क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। रेनो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहां पर आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसका आंसर है रणवीर कपूर। फ्रूट जूस एप्पी फिज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई अभी 10 कदम सब देख रहे थे क्या? जिन जिन ने 10 कदम देखा होगा, सोनी चैनल पे आ रहा था, उन्हें आइडिया लग गया होगा कि सलमान खान जो एक्टर हैं वो 10 कदम होस्ट करते हैं, और उनमें उन्होंने काफी बार फिज का ऐड किया था, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? ऑब्वियसली सलमान खान। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाइना का जो स्मार्टफोन है, चीनी लिखा है, चीनी में शक्कर मत समझना, इट्स चाइना। चाइना का जो स्मार्टफोन है जो काफी
फेमस हो चुका है वन प्लस करके, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अमिताभ बच्चन। आंसर क्या? अमिताभ बच्चन। जूस कंपनी ट्रॉपिकाना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर आपका होगा कैटरीना कैफ। ट्रॉपिकाना जूस की बात हुई, जूस से आप याद रख लीजिए, कैटरीना कैफ के जूस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ा हुआ। एयरलाइंस विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगर देखा जाए तो एयरलाइंस, एयरलाइंस से रिलेटेड अगर आपने ऐड देखा होगा आजकल आ रहा है ऐड, जिसके कौन होनी ब्रांड एम्बेसडर? दीपिका पादुकोण है। इंटेक्स कंपनी जो है, इंटेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भाई इसका आंसर है माधुरी दीक्षित। तीन क्वेश्चन माधुरी दीक्षित के भी हो चुके हैं। टाइटन सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी ऐड करते हैं, कई बार टाइटन से रिलेटेड इनका ऐड आ चुका। तो आप लोगों से एक चीज मैं याद रखूंगा, सॉरी बोलना चाहूंगा कि ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर जब भी ऐड देखते हो, टीवी देखते हो, ये ध्यान रखा करो, कई बार हम एडवर्टीजमेंट पे फोकस नहीं करते हैं कि कौन सा फेमस आदमी व्यक्ति किस प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, किस प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, वही उसका ब्रांड एम्बेसडर हो जाता है। तो कई बार आपके लिए गेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने क्वेश्चंस पढ़े आपके साथ, आई होप आपको बहुत इंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहे होंगे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और उसका मैंने एक ही ब्रीफ आपके लिए बिल्कुल बना के डिटेल आपके साथ आज शेयर करी है। और मुझे उम्मीद है आपको हमारा बिल्कुल ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करना स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर भी करो। जिनने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।